आज जो हमारा टॉपिक है, जो जावा सीनियर के लेक्चर्स दे रहा हूँ, उनमें से आज जो टॉपिक है हमारा, हाँ, वो है डेटा टाइप्स इन जावा। बेसिकली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं, तो उसको हर एक में अपना एक सिंटेक्स होता है और अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट मीन्स कि हम उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, या अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। फॉर दैट मैटर हमारे पास हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ डेटा ऑल्सो वी हैव डेटा टाइप्स। नाउ दीज डेटा टाइप्स आर नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यही डेटा टाइप्स हमें एक्चुअल में ये बताते हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा डेटा हम इसमें यूज कर सकते हैं, या कैसे डेटा को हम अपने प्रोग्राम्स में मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिफोर गोइंग इन डिटेल टू अवर टॉपिक दैट इज डेटा टाइप्स इन जावा, लेट मी गिव सम टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू डेटा टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट। नाउ इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूजुअली टेंड टू कॉल अ वैल्यू एज अ कॉन्स्टेंट इफ इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट इट्स और थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। का मतलब अगर प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कोई ऐसा वैल्यू है जो प्रोग्राम शुरू होने से लेके लास्ट तक चेंज नहीं हुआ, देन दैट टाइप ऑफ अ वैल्यू वी टेंड टू कॉल एज कॉन्स्टेंट। नंबर सेकेंड टर्म इज वेरिएबल। नाउ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल किसे कहते हैं। थोड़ा सा यहां मैं अभी डिफाइन करूंगा कि वेरिएबल असल में हमारे पास एक नाम होता है विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेमोरी लोकेशन। जैसे हमारे पास, हमारे लोग ना ह्यूमन बीइंग्स में अपना, हर एक के पास अपना अपना नाम होता है जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। इन केस ऑफ मेमोरी एंड इन रादर इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हमें कोई भी वेरिएबल हम असाइन करते हैं या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आगे देखेंगे हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे वगैरह करते हैं, तो उस मेमोरी लोकेशन को हम सिंपल टर्म्स में एक नाम दे देते हैं, सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर अस। हमें ये पता चले कि ये हमें किसको बुलाना है यूज करने के लिए, कौन से वेरिएबल को हमें यूज करना है या कौन से वैल्यू को हमें यूज करना है। फॉर दैट वी यूज अ नेम विच इज कॉल्ड एज वेरिएबल, और वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। एंड फाइनली कमिंग टू अवर मेन पॉइंट दैट इज डेटा टाइप्स इन जावा। इन केस ऑफ डेटा टाइप्स देयर आर मेनी डेटा टाइप्स दैट आर यूज्ड इन जावा, और डेटा टाइप्स बेसिकली टेल द कंपाइलर और इन टर्न टेल्स द यूजर और द डेवलपर कि आपको कौन से वैल्यूज यूज करने हैं। एंड इन ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हमने जो है डेटा टाइप्स को क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में। नो जो डेटा टाइप्स हैं इनको हमने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। वन इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव, सेकेंड इज कॉल्ड एज डिराइव्ड, और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। इन केस ऑफ न्यूमेरिक दीज आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू दैट दे कंटेन। दे मे बी ऑफ टाइप इंटीजर टाइप और दे मे बी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। एंड इन केस ऑफ
नॉन न्यूमेरिक, उसमें है कैरेक्टर और उसमें है बूलियन। के बाद नाउ वी विल सी इन डिटेल एक्चुअली। अब हम आ रहे हैं डेटा टाइप के टॉपिक पे। अभी तक तो हम खाली क्लासिफिकेशन दे रहे थे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और फर्दर क्लासिफाइड इनटू न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक, एंड देन न्यूमेरिक और क्लासिफाइड इनटू इंटीजर्स फ्लोटिंग पॉइंट्स, एंड नॉन न्यूमेरिक और क्लासिफाइड इनटू कैरेक्टर्स एंड बूलियन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ व्हाट आर इंटीजर्स। नाउ जो इंटीजर्स होते हैं, दीज आर दोज डेटा टाइप्स दैट कंटेन द इंटीजर वैल्यू। दैट मीन्स इनके पास वैल्यू होगा हमारे पास इधर 1, 2, 3, 4, 1000, 1 लाख एंड सो ऑन सो ऑन, बट इट विल बी ओनली नंबर्स, डिजिट्स जिनको हम यूजुअली कहते हैं। तो इनको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो क्लासिफिकेशन की एक्चुअली हमने इंटीजर्स को फर्दर क्लासिफाई क्यों किया गया है, ओनली टू सी कि हमारा जो पर्पज है वो किस डेटा टाइप से फुलफिल हो रहा है, और जो बाकी डेटा टाइप्स हैं मे बी अगर हम उन्हें यूज करें तो हमारी मेमोरी वेस्ट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंटीजर्स हैं दे आर बीन कैटेगराइज एज बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बाइट इज 1 बाइट, विच मीन इट टेक्स 8 बिट्स। नाउ द साइज ऑफ शॉर्ट इज 2 बाइट्स, रिटन एज 2b। इंट टेक्स 4 बाइट एंड लॉन्ग टेक्स 8 बाइट, विच मीन्स दैट अगर मैं कभी कभार इंटीजर यूज कर रहा हूं एज ए डेटा टाइप इन माई प्रोग्राम, दैट मीन्स जो कंपाइलर होगा इट विल स्टोर और इट विल कीप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी फॉर दैट वैल्यू। बट मे बी हमारा जो वैल्यू है वो ऐसा है कि वो 1 ही बाइट में आ सकता है, या इन केस वो 2 बाइट्स में आ सकता है। इन दैट केस एक वेरिएबल डिक्लेयर करने में हमारे पास 2 बाइट्स वेस्ट हो रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग इफ आई एम यूजिंग इंटीजर फॉर माई वेरिएबल, और लेकिन जो असल में उसमें डेटा जाना है उस वेरिएबल में, उसके लिए हमारे पास सफिशियंट है कि हमारे पास 2 ही बाइट्स होंगे तब भी सफिशियंट है। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ डे मैं 2 बाइट्स एक वेरिएबल में वेस्ट कर रहा हूं। अब अगर यही बात है कि मेरे पास जो वेरिएबल है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एरे, और इट इज आई एम डिक्लेयरिंग 50 वेरिएबल विद इंटीजर, दैट मीन्स 50 × 2 इज 100। मैं 100 बाइट्स ऑफ जो मेमोरी है मैं वो वेस्ट कर रहा हूं। टू ओवरकम दैट सिचुएशन दैट्स व्हाई इंटीजर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, एंड इन दीज 4 वी मे यूज द वन दैट फुलफिल्स अवर नीड, जो हमारी नीड के अकॉर्डिंगली हो उसी को हम यूज करेंगे। और इनकी रेंज वगैरह भी अलग रहती है, क्योंकि 8 बाइट्स है, इट मीन्स एक्चुअली इफ आई हैव 8 बिट्स, इसके बारे में थोड़ा सा, इफ आई एम यूजिंग 1 बाइट इट मीन्स समथिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सो दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 बिट्स। नाउ 8 बिट्स की रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास अलग अलग। सो सपोज इफ इट इज समथिंग, हर एक बिट का अपना अपना कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। इन दैट केस जो फर्स्ट वन है ये यूज होता है हमारे पास साइन के लिए, वेदर टू आइडेंटिफाई कि जो इसके आगे हमारे पास नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ दिस फर्स्ट बाइट इज बाइनरी 1, देन इट मीन्स इट इज अ नेगेटिव नंबर। If it is 0, then it means it is a
पॉजिटिव नंबर, वो हमें आगे चल के असल में काम आता है। अब देखिए, इफ ऑल आर जीरोस देन इट मींस जो मेरे पास अभी करंट वैल्यू है इट इज जीरो, इट इज जीरो इंटीजर जीरो, नॉट बाइनरी जीरो बट इंटीजर जीरो। अब अगर मेरे पास कोई वैल्यू चेंज हो रहा है उन 8 बिट्स में, से सपोज दिस वन फर्स्ट जो 8 वाले नंबर पे बिट है जो जीरो थी अभी तक, इफ इट इज चेंज टू 1 एंड रेस्ट आर कैप्ट एज जीरोस, इसका मतलब है जब मैं इस बाइनरी का कन्वर्जन कर रहा हूं इट विल कम आउट टू बी 1 बट दैट इज डेसिमल 1 विच आई विल शॉर्टली डिनोट एज डी। दैट मीन्स दिस इज डेसिमल 0 if all are zeros and if the last one bit is 1 then it is decimal 1 and similarly we can change the zeros with 1 then we'll find ultimately that the final value if all are ones then the value will be 127. Actually the values will be 128 because 0 is also included, and if we count from 0 to 127 the number or the count will come to be 128. And similarly the same is for the negative. Till now we were saying that this is zero which represented positive number, and if agar humne ye pehla bit jo hai jo yahan one likha hua hai, one means that the corresponding number is zero. But as we know, in case if I have first bit as one and remaining all bits are zero, to iska matlab kya hua, abhi tak hum keh rahe the first bit is zero, say suppose this is zero and all are zeros, humne bola that is decimal zero, first bit is zero and last bit was one, that was decimal one. Now reverse mein agar hum lenge, now the first bit jo hai hamare paas it is one, if the first bit is one and the remaining bits are all zeros, aur pehla bit agar one hai it denotes negative, aur zero ka to negative hota nahi hai hamare paas, so that's why we conversely I denote it by 128. That's why in negative range you will have minus 128. That means if all bits are zeros and first bit is 1, that means it is minus 128. And similarly, if first bit is 1 and last bit is 1, that means now in that case it is decimal, but it is decimal minus 1 for first bit 1 and last bit 1. Okay? Isi tarike se hamare paas इसमें अब रेंज बन जाती है। हमने देखा इन केस ऑफ बाइट की बात अगर हम करेंगे, हमने देखा जो रेंज आ रही है वो पॉजिटिव में 0 से लेके 127 तक आ रही है और नेगेटिव में -1 से -128 आ रही है। दैट गिव्स अस एक्चुअली द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट दिस टाइप ऑफ डेटा कैन होल्ड। दैट मीन्स अगर मैं बाइट यूज कर रहा हूं आई कैनॉट गिव अ वैल्यू ऑफ 130 बिकॉज इट वॉन्ट हैव कैपेसिटी होल्ड दैट डेटा। ठीक है, तो सिमिलरली इन अदर सिचुएशन शॉर्ट में 2 बाइट्स हम यूज करते हैं, इंट में 4 बाइट्स एंड लॉन्ग में 8 बाइट्स। तो दीज आर ऑल हैव दिस इज डेटा टाइप यूजुअली योर डेटा टाइप, दिस इज द साइज और द मेमोरी साइज दैट इट टेक्स। ठीक है, और जो ये मैं अभी कह रहा था कि बाइट के लिए हमारे पास वैल्यू जाएंगे इन नेगेटिव इट विल गो टू 128 एंड टू पॉजिटिव इट विल गो टू 127। दैट मींस दिस -128 टू 128 दिस इज कॉल्ड एज रेंज, आर ए एन जीई, दिस इज कॉल्ड एज रेंज। क्या हमारे पास रेंज क्या है, ये किन वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है ए पर्टिक्यूलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, दिस इज फॉर इंटीजर्स, सो फॉर वी आर कंसर्न जो पहला वाला था। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, हमने कहा डेटा टाइप्स ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है, बट वी मे इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी माइट हैव some values that may carry also the decimal values, point, floating point जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी हमारे पास in case of floating point values we may have two types,
ब्रॉडली क्लासिफाइड, वन इज कॉल्ड एज फ्लोट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डबल। फोर बाइट्स, एट बाइट्स डेटा। इन केस ऑफ दिस अगेन इज द डेटा टाइप, दिस इज द साइज एंड देन रेंज अकॉर्डिंगली। इन केस ऑफ फ्लोट एंड डबल दीज वेरी, और रेंज और देयर वेरिएशन कम्स इन केस ऑफ कि प्रेसिजन कितना होता है हमारे पास आफ्टर द डेसिमल। यूजुअली इट सेड, और बहुत सारी बुक्स में लिखा जा है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद कितने वैल्यूज या कितने डिजिट्स हमें विजिबल हो गए इन आवर आंसर, दैट इज यूजुअली टेन टू बी 6 or 7। एंड इन केस ऑफ डबल इट इज अप टू 15। दैट मीन्स इफ वी वांट सम प्रिसाइज आंसर, अगर हमें प्रिसाइज ज्यादा आंसर चाहिए अप टू ग्रेटर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, देन वी माइट यूज डबल। ठीक है, एंड इफ वी यूज से सपोज अगर हमें कम ही चाहिए, 5-6 प्रिसीजन तक की या 5-6 डेसिमल वैल्यूज तक की चाहिए, देन इन दैट केस वी मे यूज फ्लोट। अगेन फ्लोट एंड डबल इट हैज इट्स ओन रेंज, बट सिंस इट हैज द रेंज विच इंक्लूड्स द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल, एंड दैट इज से सपोज 125.62 से फॉर एग्जाम्पल। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ डबल वी ऑल्सो मे हैव 193.4267 एंड सो ऑन। ठीक, बट इसमें क्योंकि हमारे पास अब दो पार्ट होते हैं, we have a part that is on the left hand side of the dot and on the second that is on the right hand side, so these four bytes are divided, inko divide kiya gaya hai is range aur is range ke liye, dono range ke liye inko divide kiya gaya hai। abhi shortly main aapko ek diagram dikha dunga, ek figure dikha dunga jisme classify kiya hoga aur jisme given hoga ki kiski kitni range hai। to mere khayal mein jo humne pehla byte mein aapko maine sikhaya tha, that was actually to tell you ki hum kaise एक डेटा टाइप की रेंज को बता सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अगर हमें रेंज फाइंड करनी होगी। सिमिलरली ये तो था फ्लोटिंग पॉइंट, एंड नेक्स्ट वी हैव नॉन न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा इन विच वी हैड कैरेक्टर। इन केस ऑफ जावा ए कैरेक्टर टेक्स 2 bytes। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैथ सीन कैरेक्टर 1 byte लेता है, बट इन केस ऑफ जावा सी या सी प्लस प्लस की मैं बात करूं, इन केस ऑफ जावा इट टेक्स 2 bytes बट इट स्टोर्स ओनली 1 कैरेक्टर। सपोज इफ इट इज ए वी हैव टू गिव इट और एनक्लोज विद इन द सिंगल कोट्स, देन दिस ए विल बी डिनोटेड एज ए कैरेक्टर। सिमिलरली आई मे हैव अ डिजिट, बट इफ दैट डिजिट अगर उस डिजिट को हमने सिंगल कोट्स में रखा है, इन दैट केस दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कैरेक्टर, एंड टू डिनोट कैरेक्टर we may write ch। integer के लिए we write int int, float के लिए we write float, character के लिए we write ch। and इसके साथ ही हमारे पास second one था, that is called as boolean, which is usually used for either true or false। it may have a value true or false, and thus ये जो हमारे पास विच इज इन टर्न और इंटरनली द कंप्यूटर इज सेव्ड एज इधर बाइनरी 0 or binary 1, दैट्स व्हाई बूलियन इज कंसीडर्ड टू हैव द मेमोरी ऑफ 1 byte, सॉरी 1 bit, नॉट बाइट, 1 bit। तो मैंने अभी आपको बोला 4 integer types के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, then we have 2 with floating point which makes it 6, and then we have character which means 7, and ultimately a boolean which means 8। so jo hamare paas fundamental data types hain that we use in java, we can say that broadly classified we have 8 data types or 8 fundamental data types that we use in java। maine aapko pehle hi bola ki main aapko diagram dikhaunga तो आपको रेंज दिखाएगा जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, और जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनकी उनकी भी एक डायग्राम में दिखाने वाला हूं आपको कि वो कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। फॉर दैट क्या करेंगे, गो टू लाइब्रेरी, यूजर लाइब्रेरी,
लीजिए, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए, तो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट आर यूज्ड इन जावा, जो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन बता दी कि वी हैव न्यूमेरिक, वी हैव नॉन न्यूमेरिक एंड फंडामेंटल डेटा टाइप्स जो हमारे पास है, जैसे इंटीजर है, देन वी हैव जो मैंने आपको लिखा है 4 इंटीजर टाइप डेटा टाइप्स, इसमें 1, 2, 3 एंड 4, इन फ्लोटिंग पॉइंट वी हैव 2 लॉन्ग एंड डबल, देन कैरेक्टर्स वी हैव कैरेक्टर्स एंड इन बोलीन मैंने आपको बोला कि एक बिट ये लेता है ट्रू और फॉल्स के लिए, एंड सिमिलरली जो हमने डिराइव्ड डेटा टाइप्स मैंने आपको बताए थे, इन दैट केस वी मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, और यूजुअली टेंड टू से क्लास इंटरफेस एरे ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग दीज आर क्लासेस, बट ये जो हमें हमें लेटर ऑन डिस्कस करने हैं, एंड वी विल सी कि लेटर ऑन हमारे पास कैसे हम इन चीजों को यूज वगैरह करते हैं। ये तो था रिगार्डिंग दिस कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ नाउ जो सेकेंड वाला जो हमारे पास था दैट वाज कि हमारे पास रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट वी यूज इन जावा, तो उस चीज के लिए मैंने आपको बोला था कि दिस इज डेटा टाइप जो हम यूज कर रहे हैं, देन उसके बाद हमारे पास है इसका साइज कि साइज ये कितना लेता है, देन अल्टीमेटली वी हैव द रेंज, इसकी रेंज कितनी होती है जो मैंने आपको समझाया था एक के लिए, दैट वाज फॉर बाइट विच हैज अ रेंज -128 to 127 एंड सो ऑन, शॉर्ट के लिए हम देख रहे हैं -3 to 76, ये साइनर किस लिए, इन केस ऑफ सी या सी प्लस प्लस स्टूडेंट सी ने देखा होगा हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं वी मे हैव साइंड और अनसाइंड, साइन मीन हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं, इन केस ऑफ अनसाइंड वी मीन ओनली पॉजिटिव नंबर्स, बट इन जावा वी ऑलवेज यूज और वी कैन से बाय डिफॉल्ट हमारे पास जब भी डेटा टाइप्स होते हैं दोज आर साइंड एंड वी यूज साइंड, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज समवट रिलेटेड टू डेटा टाइप्स, जब हमने कहा कि डेटा टाइप्स असल में जब भी हम डेटा टाइप्स को किसी कहीं पर भी डिक्लेयर करते हैं, नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग एनी डेटा टाइप्स, से सपोज अगर मुझे कोई डेटा जो है वो यूज करना है और उसका टाइप है इंटीजर टाइप, देन इफ आई हैव टू डिक्लेयर दैट डिक्लेरेशन, देन इन दैट केस आई मे राइट एज इंट देन ए, वेयर इन दिस इंटीजर डिनोट्स डेटा टाइप व्हाइल एज दिस ए इट डिनोट्स द वेरिएबल नेम, बट मेक श्योर जो आपके पास वेरिएबल नेम के कन्वेंशन होते हैं कि वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, यू हैव टू फॉलो दैट दैट रूल, और जो मैंने प्रीवियसली बताया आपको वेरिएबल्स वगैरह के लिए बारे में, ठीक है, सो नो डाउट दिस हैज टू बी फॉलोड बाय सेमीकोलन वगैरह, वो सिंटैक्स हम बाद में देखेंगे, अब दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल। नाउ अब अगर हमारे पास इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल, अब हमें डिक्लेरेशन के साथ साथ में इफ वी टेंड टू गिव सम वैल्यूज, क्योंकि मैंने बोला आपको हम वेरिएबल नेम किस लिए रखते हैं, ये असल में किसी स्टोरेज लोकेशन या मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, और मेमोरी में हमें कुछ ना कुछ डेटा रखना है ना, सिंस हमने इसका डेटा टाइप दिया है इंट, और जब भी हमने डिक्लेरेशन की तो ये डिक्लेरेशन ये स्टेटमेंट इंट ए ये कंपाइलर को कुछ चीजें बता देता है इन टर्न, पहला चीज क्या बता देता है, फर्स्ट थिंग इज इट टेल्स द कंपाइलर नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या है, सेकंड थिंग इट टेल्स कि भाई टाइप ऑफ डेटा, इट शुड स्टोर रादर टाइप ऑफ डेटा दैट शुड बी स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल, एंड साइमल्टेनियसली इट ऑल्सो टेल्स इट एंड आई शुड राइट एंड इट ऑल्सो टेल्स इट कि भाई हाउ मच मेमोरी इज टू बी रिजर्व्ड, how much
मेमोरी टू बी रिजर्व फॉर दैट डेटा टाइप. अगर इंट है तो अभी हमने देखा इंट में हमारे पास बाइट था, इंटीजर में वी हैड बाइट, वी हैड शॉर्ट, वी हैड इंट, वी टुक 4 bytes, देन दैट मींस 4 bytes हमें यहाँ सेव करानी है. एंड नंबर थर्ड अल्टीमेटली इट टेल्स द कंपाइलर द स्कोप स्कोप ऑफ वेरिएबल. सो दैट मींस द लाइन वेयर दिस थिंग इज रिटन इंट ए जहां पे भी लिखी जाती है अपने प्रोग्राम में उसके हिसाब से हमारे पास इसका स्कोप होगा, इसकी लाइफ कहां पर है या इसकी विजिबिलिटी कितनी है. दैट विल डिपेंड ऑन द एरिया और द स्पेस और द लाइन इन आवर प्रोग्राम जहां पे हमने इस चीज को, इस डिक्लेरेशन को लिखा है. ठीक है, तो इसी बेसिस पे अगर हम देखेंगे नो डाउट नेम ऑफ वेरिएबल इसने बता दिया, टाइप ऑफ डेटा भी इसने बता दिया, ये स्टोर क्या रखेगा और कितनी मेमोरी स्टोर रखेगा. साथ साथ ही में इट विल टेल कि भाई स्कोप ऑफ वेरिएबल कितना है. स्कोप ऑफ वेरिएबल मीन वी एक्चुअली हैव 3 types ऑफ स्कोप्स. अब मैं इसके साथ ही इसको कवर करूंगा, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन पे आ जाएंगे वापस. स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल इट मे बी क्लास वेरिएबल, इट मे बी क्लास वेरिएबल, सेकेंड इट मे बी इंस्टेंस वेरिएबल, इट मे बी इंस्टेंस वेरिएबल, और नंबर थ्री इट मे बी क्लास वेरिएबल, राइट, इंस्टेंस वेरिएबल. नंबर थ्री इज लोकल वेरिएबल. नाउ व्हाट डज दिस मीन, इट एक्चुअली मीन्स कि भाई इन केस ऑफ क्लास वेरिएबल हमारे पास आगे चल के हम देखेंगे कि वेरिएबल हमारे पास एक क्लास को बिलोंग करता है. इन डिटेल विल सी जब हम प्रोग्राम्स वगैरह भी लिखेंगे. अब अगर एक वेरिएबल क्लास को बिलोंग करता है देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज ए क्लास वेरिएबल. और उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूजुअली टेंड टू कीप इट एज स्टैटिक. इफ अगर हमने इंट ए भी लिखा, अगर हमने उसके पहले लिखा होगा स्टैटिक इंट ए, देन इट इज ए क्लास वेरिएबल एंड कैन बी रेफर्ड बाय यूजिंग क्लास नेम ओनली. फिलहाल आप इतना ही याद रखिए इसमें. ठीक है, तो इसमें हमने दैट इज कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल. सिमिलरली जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास है, जब भी हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं हमारे पास क्लास होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं. नाउ यूजिंग दोज ऑब्जेक्ट्स वी कैन एक्सेस द क्लास और वी कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ ए क्लास. मेंबर कौन से होते हैं हमारे पास, वी मे हैव वेरिएबल्स और वी मे हैव मेथड्स. इन केस ऑफ जावा फंक्शंस को हम मेथड कहते हैं. दैट मींस उस टाइप के वेरिएबल्स जिनको हम एक्सेस करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट्स, दोज आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल. एंड फाइनली थर्ड दैट इज लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स दैट हैव द स्कोप और दैट हैव द लाइफ और दैट हैव द विजिबिलिटी विद इन सर्टन मेथड. कोई फंक्शन है जो हम दूसरे लैंग्वेज में जिसको फंक्शन कहते हैं, जावा वी कॉल इट एज मेथड. अगर हमने किसी मेथड के अंदर कोई वेरिएबल लिखा है और उसे यूज वहीं पे किया है और उसकी दैट मींस वी कैन टू से कि इसकी एग्जिस्टेंस उस मेथड के बाहर नहीं है, देन इन दैट केस दोस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल. ठीक है, ये तो वो थर्ड पॉइंट था रिगार्डिंग कि भाई हमारे पास स्कोप कौन सा है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की जब मैं बात कर रहा था. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, ये था स्कोप ऑफ वेरिएबल जो मुझे बाय द वे के साथ ही बोलना पड़ा. नाउ सेकंड जो हमारे पास असल में जो हमारे पास टॉपिक था, वी वेर डिस्कसिंग डिक्लेरेशन. एंड आफ्टर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल, अब अगर हमें यूज करना है इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज यूजुअली इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जब भी हमें कोई वेरिएबल यूज करना होता है या कहीं पे उसे एक्सेस करना है या कुछ उसमें मैनिपुलेशन करनी है, वी टेंड टू नीड और वी टेंड टू हैव द वैल्यू फॉर इट फर्स्ट, देन वी कैन यूज इट इन सम कैलकुलेशंस और इन सर्टेन ऑपरेशंस, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल,
आई होप दैट इज विजिबल फॉर ऑल। मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। इनिशियलाइजेशन मीन्स जैसे मैंने अभी लिखा था, आई हैड रिटन इंट ए, एंड इफ आई राइट इंट ए देन इन सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन और मे बी आफ्टर 5 लाइन 10 लाइन आई राइट ए इक्वल टू 10, देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल ए। We may have initialization or declaration and initialization at the same time in a single line, and that might be written as int a equivalent to 10. This means that the declaration of the variable and the initialization is done in the same statement. See? Now moving on. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक वेरिएबल्स के साथ ही हम उनको, डेटा टाइप्स के साथ ही हम उनको कवर करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन सेज दैट समटाइम्स मे बी आई माइट समवेयर राइट इंट ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब है मैं यहां तो डिक्लेयर कर रहा हूं वेरिएबल ए को, मैंने लिखा इंट ए, और इसका मतलब है बी मैंने कहीं ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है और बी का कहीं ना कहीं वैल्यू है और इनिशियलाइज किया है या कहीं ना कहीं से वैल्यू फेच कर रहा है, उसके बाद मैं इस स्टेटमेंट को यूज कर सकता हूं। इफ अगर मेरे पास बी का वैल्यू नहीं है और मैंने इस स्टेटमेंट को यूज किया तो इट विल शो एन एरर। ठीक है, बी इज नेवर असाइन द वैल्यू और ए इज असाइन वैल्यू दैट इज नेवर इनिशियलाइज। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हमारे पास बी का ऑलरेडी वैल्यू है लेकिन वो वैल्यू जो बी का है मैंने इससे पहले यहां पे कहीं पे 10 लाइन्स 5 लाइन्स 4 लाइन्स ऊपर मैंने लिखा था फ्लोट बी और बी का वैल्यू दिया था 1.27। दैट मीन्स बी हैज अ वैल्यू विच इज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, यस, बट मैं यही फ्लोटिंग पॉइंट किसको दे रहा हूं, इंटीजर को, और इंटीजर में फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होगा ना, तो दैट मीन अल्टीमेटली इफ आई से जब मैं विजिबल कराऊंगा प्रिंट कराऊंगा ए का वैल्यू इट शुड कम आउट ऑफ बी 1। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास इसमें फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कैपेसिटी नहीं है, ये 1 को ही कंसिडर करेगा। तो ऐसी हमारे पास सिचुएशन बहुत टाइम पे आ जाती है कि ज्यूरिंग जब हम प्रोग्राम लिखते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है हमारे पास उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इन दैट सिचुएशन वी मे हैव कंडीशन विच इज समवट लाइक दिस, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, वी टेन टू यू दिस टाइप कन्वर्जन, बट दिस टाइप कन्वर्जन मे बी ऑफ टू टाइप्स। एक टाइप कन्वर्जन होता है वेन वी जब हमारे पास छोटे जो डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी स्पेस या जिनका साइज जो मैंने अभी बताया वो कम होता है और उनको हम टाइप कन्वर्ट करते हैं लार्जर में, दैट मीन्स स्मॉलर वैल्यू इज पुट इन लार्जर मेमोरी स्पेस, इन दैट केस हमारे पास मेमोरी लॉस नहीं होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल मैंने लिखा फ्लोट एपल ओ ए फ्लोट सी इक्वल टू 2.7। ठीक, इसके बाद मैंने लिखा डबल डबल एक्स इज इक्वल टू सी। नाउ जो फ्लोट है इट टेक्स लेस मेमोरी व्हाइल एज डबल टेक्स मोर मेमोरी, दैट मीन्स मैं छोटे वैल्यू को बड़े कंटेनर में डाल रहा हूं। इस टाइप के कन्वर्जन में वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डेटा लॉस, हमारे पास कोई डेटा लॉस नहीं होता है अगर कन्वर्जन हमारे पास इस टाइप के होंगे, दैट स्मॉलर वैल्यू इज पुट इन ए लार्जर डेटा और डेटा टाइप। सिमिलरली जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल की थी ये वाली, हियर इफ वी विल सी कि हमारे पास जो लार्जर वैल्यू था दैट वॉज पुट इन ए कंटेनर दैट वॉज हैविंग लेस कैपेसिटी देन दिस, तो इन दैट केस वी मे हैव सम लॉस ऑफ डेटा। तो वी हैव सी यूजुअली जो जावा में है वी मे हैव जो हमारे पास टाइप कन्वर्जन होता है दैट इज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन,
ठीक है, इन सी और सी प्लस प्लस और इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू मे हैव टू फोर्स टाइप कास्टिंग, बट इन केस ऑफ जावा इट इज ऑटोमेटिक एंड यूजुअली अगर हमारे पास ऐसा है फ्लोट को डाल रहे हैं इंटीजर में या फ्लोट को डाल रहे हैं हम बाइट में, इन दैट केस हमारे पास जो है देयर माइट बी सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और सम लॉस ऑफ डेटा। हाउएवर इफ बाइट इज पुट इन इंट और बाइट इज पुट इन लॉन्ग डेटा टाइप, देन इन दैट केस हमारे पास कोई डेटा लॉस नहीं होता है। क्यों? जैसे कॉमन एनालॉजी हम लेंगे कि हमारे पास दो जग है, एक छोटा जग है एक बड़ा जग है, और छोटे जग में जो पानी है अगर हम वो बड़े जग में डालेंगे तो बड़े जग में जगह बचेगी ना। अब अगर बड़े जग का पानी हम छोटे जग में डालेंगे तो ओवरफ्लो होके गिर जाएगा ना, ये एनालॉग में कह रहा हूँ, एनालॉगी दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है सिमिलरली इन केस ऑफ मेमोरी, बिकॉज अभी हमने देखा कि डिक्लेरेशन मीन्स कि हम कितनी मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं, अब जितनी मेमोरी रिजर्व होगी उतने में ही डेटा जाएगा ना, अगर डेटा ज्यादा है तो वो डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, दैट कंटेन अवर मेन जो फोकस उसमें था हमारे पास दैट वॉज डेटा टाइप। होप आपको समझ आया होगा, जिसको भी कुछ इश्यूज होंगे दे मे सेंड इन कमेंट्स दोज इश्यूज। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।